हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 51 जो है हमारे पास वो क्या है मेरे पास, दैट अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.500 kg, मीन्स एक व्हील आपको गिवन है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको गिवन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये व्हील, तो इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 यहाँ पे है, दैट इज 0.500 kg² एंड रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है यहाँ पे दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 0.2 मीटर। इज रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है यहाँ पे एट एन एंगुलर स्पीड 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, और उसकी जो एंगुलर स्पीड यहाँ पे है वो एंगुलर स्पीड कितनी है, दैट इज 20 रेडियन पर सेकेंड, नॉट स्क्वेयर। तो एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा जो है यहाँ पे, दैट इज ओमेगा 1 जो है दैट इज 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। इट पिक अप अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम। अब वो ये कह रहा है कि वो एक स्टेशनरी पार्टिकल को पिक करता है जिसका कि मास जो है वो 200 ग्राम। तो यहाँ पे जो है वो स्टेशनरी पार्टिकल को पिक कर रहा है, और मास जो है यहाँ पे वो उस स्टेशनरी पार्टिकल का, तो वो मास कितना है, दैट इज 200 ग्राम। तो इसको M2 में सपोज कर लो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.2 kg। फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द वेव, अब उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी वो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है, मीन्स ओमेगा 2 जो है वो आपको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे गिवन है I1, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस व्हील, तो व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल। तो ये पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा क्या आ जाएगा, वो मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज R², और R यहाँ पे कितना है, 0.2 मीटर। ये मेरे पास यहाँ पे I2 कितना आ जाएगा, I2 मेरे पास जो है वो दैट इज I1, तो I1 मेरे पास क्या है, 0.5 प्लस मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल जो है दैट इज 0.2, तो मास ऑफ पार्टिकल 0.2 इंटू R² जो रेडियस है, तो रेडियस भी 0.2 मीटर है, तो 0.2 का स्क्वेयर। तो ये मेरे पास I2 जो यहाँ पे आ जाएगा वो I2 आ जाएगा 0.5 प्लस 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये बन जाएगा 0.008, और ऐड करने के बाद I2 जो आ जाएगा 0.508। अब यहाँ पे देखो, I2 आपको पता है, ओमेगा 2 आपको डिटरमाइन करना है, I1 ओमेगा 1 पता है, तो ये इनिशियल कंडीशन होगी, ये फाइनल कंडीशन होगी। तो यहाँ पे जो है वो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है यहाँ पे वो क्या है, 0 है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या हो जाएगा, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, I1 ओमेगा 1, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या आ जाएगा, I1 ओमेगा 1, वो इक्वल टू होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I2 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 2 तो आपको डिटरमाइन करना है, ओमेगा 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज I1 ओमेगा 1 अपॉन I2। तो अब वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो वैल्यू I1 की देखो कितनी वैल्यू है, I1 की वैल्यू 0.5 है, दैट इज 0.5 इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 1 कितना है, 20 है, तो दिस इज योर इंटू 20 अपॉन I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू है 0.508। तो ये अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ ये टर्म्स को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/10 इंटू 20 इंटू
1000/508, क्लियर। तो ये टर्म्स मेरे पास कट जाएगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा 100 और 20 यहाँ से आ जाएंगी अपॉन 508। तो ये मैं डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आएगा यहाँ पे, दैट इज ओमेगा 2 इज इक्वल टू 19.69 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, थैंक यू स्टूडेंट्स।